ओम शांति। ब्रह्मा बाबा का स्मृति दिवस 18 जनवरी। क्या कहें उस महानतम हस्ती के लिए जो रथ भगवान के काम आ गया, वो देह रूपी रथ ऐसा विचित्र अनुपम अनोखा, जिसके द्वारा उस परम शक्ति ने अपने को व्यक्त किया, अपने कर्म किए और उनके मुखारविंद से ईश्वर की दिव्य वाणी उच्चारण हुई, जिसने लाखों मनुष्य आत्माओं को पतित से पावन बना दिया, वो महापुरुष आदि पिता ब्रह्मा बाबा, आज हम उनके उस महानतम व्यक्तित्व को श्रद्धा से नमन करते हैं और उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प करते हैं। क्या कदम उन्होंने चल के दिखाए, वो तो मानव से फरिश्ता हो गए और आज भी फरिश्ता रूप से सारी मानवता के कल्याण के कर्तव्य पर फरिश्तों की दुनिया में उपस्थित हैं। वो प्यारे ब्रह्मा बाबा, मेरे दिल पर क्या अमिट छाप छोड़ी है उन्होंने, मैं बता नहीं सकती। मैं छोटी सी 16 वर्ष की थी, एक किताब मिली थी, जीवन को पलटाने वाली एक अद्भुत जीवन कहानी, जिसमें इस महानतम हस्ती के जीवन चरित्र थे कि कैसे वो महान हस्ती ईश्वर को अपने तन में उतरने पर बांध पाई। वो गाथा मैंने पढ़ी और मेरा जीवन पलट गया कि मन न चित, मन के दूर कई किलोमीटर दूर तक भी हम ऐसे महान व्यक्तित्व की कल्पना तक भी नहीं कर सकते थे। हम तो ब्रह्मा को केवल एक आसमानी हस्ती समझते थे कि कोई ऊपर आसमान में बैठा देवता है और उसने संकल्प से सृष्टि रच दी होगी, लेकिन एक धरती का मानव, एक गृहस्थी, एक व्यापारी, एक भक्त, उसके अंदर इतनी महान भावनाएं हो सकती है, इतना पोटेंशियल हो सकता है जो पूरे विश्व कल्याण के लिए अग्रणी हो जाए और सर्व के पिता को अपनी देह में स्थान दे दे। वो अगम अगोचर निराकार उसके अंदर आकर के प्रकट होकर अपना आदि मध्य अंत हम सबके आगे प्रस्तुत किया। वो प्रभु मिलन की अनुभूतियां उन दो नयनों के द्वारा हुई, वो दो अनोखी खिड़कियां जादू की डबियां बन गई निराकार को दिखाने वाली, और हमारा जीवन पलट गई। मेरे जैसी 40,000 कुमारियां दुनिया की विलासिता और फैशन को छोड़कर इस पवित्र और सादगी के मार्ग पर चल पड़ी। उस महानतम व्यक्तित्व ने हमें खींचा और आज हमारा रोम रोम उनका शुक्रिया कर रहा है, उनका एहसान मान रहा है कि आपने हमें दुनिया की तपती आग से बचा दिया, हमारे जीवन को सकारत कर दिया, विश्व कल्याण के मार्ग पर लगा दिया। ऐसे महा महा महापुरुष को, आदि पिता ब्रह्मा को हम शत शत नमन करते हैं। ओम शांति।